इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सबेस्टन है और वो तिजोरी खोलने में माहिर था। हम देखते हैं कि वो लोकर पर हाथ रखकर उसे महसूस करता है, फिर वो कुछ ही सेकंड के अंदर उस लोकर को खोल देता है। उसने ये कैसे किया, हम ये आगे स्टोरी में देखेंगे। फिर वो आदमी अपनी एक वीडियो बनाता है जिसमें वो बताता है कि शहर से दूर एक पुरानी फैक्ट्री थी जिसमें एक बूढ़ा आदमी था और उसका नाम हंस वैगनर था, जो कि उस फैक्ट्री का मालिक था। और उन्हें दो ही चीजों से लगाव था, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने काम से, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। फिर उनका परिवार खत्म हो गया, पर वो अपने बुढ़ापे में भी अपने काम को पूरी लगन से करते थे। और इसी के साथ उसने चार तिजोरियों की सीरीज बनाई जिसे कोई भी नहीं खोल सकता था, जिनको अलग अलग नाम से पहचाना जाता था। और हंस वैगनर के लिए कोई भी लोकर एक पहेली की तरह था जिसे वो कुछ ही मिनटों में खोल देता था। और उन चार लोकरों में से एक लोकर ऐसा भी था जिसे कोई भी खोल नहीं सकता था। उनका कहना था कि अगर कोई भी इसे तोड़कर खोलने की कोशिश करेगा तो इसके अंदर के लोक टूट जाएंगे और तिजोरी कभी भी नहीं खुल पाएगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपनी फैमिली को खो देने से बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने अपने आप को लॉकर में बंद कर लिया। जब फैक्ट्री के वर्करों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की पर वो लॉकर को खोल ना सके, क्योंकि हंस वैगनर को अपने काम पर पूरा भरोसा था। इसी के बाद उस लॉकर को पानी में फेंक दिया गया, पर बाकी के तीन लोकर अभी भी किसी को नहीं पता कि वो कहां पर है। इसी के साथ वो अपनी इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। फिर वो अपनी आंखें बंद कर कुछ ही सेकंड में एक तरफ रखे लोकर को बड़ी आसानी से खोल देता है। और ये भी पता चलता है कि वो बड़ी से बड़ी तिजोरियों को खोलने की पढ़ाई भी कर रहा था और वो काफी हद तक हार्ड लॉकर्स को खोलने में कामयाब रहा था। पर वो देखता है कि उसकी वीडियो पर ना ही कोई लाइक्स आ रहे थे ना ही कोई व्यूज, जिस कारण वो काफी परेशान रहता था। और वो एक बैंक में जॉब करता था, तभी एक लेडी आती है और उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है मैं यहाँ रोज आती हूँ पर मेरा काम नहीं होता। और अपने काम पर भी वो व्यूज और लाइक्स चेक करता रहता था। तभी वो देखता है उसकी वीडियो पर एक व्यू और एक कमेंट आया होता है और उस कमेंट में लिखा होता है कि अगर तुम अपने हुनर को आजमाना चाहते हो तो इस पते पर पहुँच कर इस पासवर्ड को बताकर बिल्डिंग के अंदर आ जाना। वहाँ खड़ी एक लड़की उस पर नजर रख रही होती है पर उसे कुछ मालूम नहीं होता। वो उसी टाइम वो बैंक से निकलकर सीधा वही एड्रेस पर पहुँच जाता है और बाहर खड़े गार्ड को पासवर्ड बताता है, तो गार्ड उसे अंदर ले जाता है। वहाँ पर लॉकर को खोलने का कंपटीशन चल रहा होता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और वो भी हिस्सा लेता है। कंपटीशन शुरू होने से पहले बताया जाता है कि जो सबसे पहले ताला खोलेगा वो विजेता होगा और उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि ये खेल तो मैं ही जीतूंगा। और फर्स्ट राउंड शुरू हो जाता है जिसका एक नियम था कि इस राउंड में सिर्फ चार लोग ही सिलेक्ट होंगे। सभी लोग अपना अपना लॉकर खोलते हैं और सबेस्टन बहुत घबराया हुआ था। वो एक दूसरे की ओर देख रहा था पर फिर भी वो कोशिश करके चौथा स्थान प्राप्त करता है। इसके बाद सेमीफाइनल का राउंड होता है। इसमें चार खिलाड़ी थे जिसमें से दो ही फाइनल में जाएंगे और फाइनल में दो प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। और सेमीफाइनल में सबेस्टन दूसरा स्थान प्राप्त करता है और ऑडियंस भी उन पर पैसा लगा रही होती है कि कौन जीतेगा। इसके ठीक बाद फाइनल राउंड शुरू होता है जिसमें लोकर खोलने का समय सिर्फ 3 मिनट का था। पहला आदमी टाइम स्टार्ट होते ही लोकर खोलना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ सबेस्टन फिर से खड़ा इधर उधर देख रहा होता है और वो अपने कंपटीटर को डिस्टर्ब कर रहा होता है। जैसे ही 30 सेकंड का समय रह जाता है, सबेस्टन उस लोकर पर अपना हाथ रखता है और उसे फील करता है और कुछ ही सेकंड में लोकर को खोल देता है। और वो अपने कंपटीटर को कहता है तुम्हें कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है। तभी वो उस पर हमला करने ही वाला होता है पर तभी वो गार्ड उसे पकड़ लेता है और सबेस्टन बहुत खुश दिखाई देता है। फिर वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम था गवेंडली और सबेस्टन उसे बस देखते ही जा रहा था जैसे उसको उससे प्यार हो गया हो। पर सबेस्टन को क्या ही पता था कि वो एक चोर है जिसने अपने 6 साल की उम्र में एक घड़ी और 16 की उम्र में एक कार चोरी की थी और जब वो 17 साल की हुई तब 17 मुल्कों की पुलिस उसके पीछे थी। इसके बाद वो घर जाता है और इनाम में मिली ट्रॉफी को अपने मोम डैड की तस्वीर के साथ रख देता है और
और अगले दिन वो एक कॉफी शॉप में से कॉफी लेकर निकलने लगता है। तभी गवेंडलीन उसके पीछे खड़ी होती है और वो घबरा जाता है और अचानक से कॉफी उस पर गिर जाती है और सेबेस्टियन बोलता है कि तुम तो वही बेसमेंट वाली लड़की हो, तुम यहाँ कैसे? वो बोलती कि मैंने ही तुम्हें उस बेसमेंट में बुलाया था, और कहती है कि तुम्हारी वीडियो इतनी अच्छी होती है और फिर भी कोई व्यू नहीं आते। इसके बाद जब वो अपने बारे में बताती है कि कई देशों की पुलिस मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पड़ी है, ये सुनकर सेबेस्टियन थोड़ा डर जाता है। पर गवेंडलीन बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, क्या तुम करोगे? जिसमें हम अलग अलग देशों में चोरी करेंगे। तुम्हारा काम इतना है कि तुम्हें उस बूढ़े आदमी के बने हुए लॉकर को खोलना है, जो कि तुम्हारे लिए बहुत आसान काम है। और हाँ, जिन लॉकरों की हम चोरी करेंगे उसमें बहुत पैसा है, हमें पूरी जिंदगी पैसे कमाने नहीं पड़ेंगे। और दूसरी तरफ सेबेस्टियन तो यही सोचकर बहुत खुश था कि उसे उन लॉकरों को खोलना था। और गवेंडलीन ये भी बताती है कि ये चोरी हम पूरी टीम के साथ मिलकर करेंगे। वो उसे अपना विजिटिंग कार्ड देकर बोलती है कि अगर तुम इस काम के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस एड्रेस पर आ जाना। वो इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सेबेस्टियन घर में आने के बाद पूरी रात इसी के बारे में सोचता रहा और उसे तो इस बात की खुशी थी कि वो दुनिया के सबसे हार्ड लॉकर को खोलने वाला था, और वो इस काम के लिए मान जाता है। और अगले ही दिन वो गवेंडलीन के घर पर पहुंच जाता है। फिर गवेंडलीन उसे अपने दोस्तों से मिलाती है, जिसमें पहले हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था कोरिना, और वो एक मास्टर हैकर है जिसने 10 साल की उम्र में एक फिल्म स्टूडियो के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके एक फिल्म की कॉपी चुराई थी। और दूसरा मेंबर था रोल्फ, जो कि एक सुपर फास्ट ड्राइवर था। और लास्ट में हम देखते हैं ब्रैड केज, जो कि बहुत ताकतवर था और फिट भी। और गवेंडलीन बोलती है कि ये है हमारी टीम और हम सब मिलकर चोरी करेंगे। इसके बाद कोरिना उन्हें तीन लॉकर की लोकेशन और उनके बारे में कुछ जानकारी देती है, जिसमें पहला लॉकर जो कि पेरिस में है, जिसे खोलना थोड़ा आसान है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी थोड़ी कम है, और दूसरा लॉकर जो बराक में है, जिसे खोलना थोड़ा मुश्किल है। और अब बारी आती है तीसरे लॉकर की, जो कि स्विट्जरलैंड में है, जिसे खोलना बहुत ही मुश्किल है, पर इस लॉकर में कम से कम $100 मिलियन है। फिर कोरिना उस आदमी के बारे में बताती है जो उन तीन लॉकर का मालिक था। तभी ब्रैड बोलता है कि अगर किसी को पकड़े जाने का डर है तो कुएं में कूद कर मर जाना, पर इस आदमी के हाथ मत आना। इसी के बाद वो सभी पेरिस को रवाना हो जाते हैं। पेरिस पहुंचने के बाद जब बैंक के बाहर खड़े होते हैं तो वो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। वही गाड़ी में सेबेस्टियन को प्लान समझा रहे होते हैं और फिर उसे बैंक में भेज देते हैं। पर सेबेस्टियन बहुत डरा हुआ होता है और वो अंदर जाते ही बैंक के वॉशरूम में जाकर छुप जाता है। तभी वहाँ गवेंडलीन आती है, जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड को अपना सामान पकड़ाकर उसकी पॉकेट में से चाबियां निकाल लेती है, और वो अंदर जाकर रिसेप्शन पर अपने लॉकर के पास जाने के लिए कहती है, जो कि उसने फर्जी नाम पर खोला था। तभी वो रिसेप्शनिस्ट उसे उसके लॉकर के पास छोड़ देती है। तभी वहाँ कोरिना आती है, जो कि अपने क्रेडिट कार्ड गुम होने के बारे में बताती है, और वो उन सबको अपनी बातों में लगाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। तभी वहाँ पर गवेंडलीन सेबेस्टियन को बाथरूम से निकालकर एक लिफ्ट के जरिए लॉकर के पास ले जाती है। सेबेस्टियन उस लॉकर को देखकर बहुत खुश होता है और वो गवेंडलीन को उस लॉकर की कहानी सुनाने लगा है। पर गवेंडलीन बोलती है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं, तुम बस इसे खोलो। तभी सेबेस्टियन अपने मोबाइल पर एक म्यूजिक चलाता है और उस लॉकर को खोलना शुरू कर देता है। फिर कुछ ही समय में वो लॉकर को खोल देता है और वो बहुत खुश होता है और कहता है कि मैंने कर दिखाया। फिर वो लॉकर का दरवाजा खोलता है और देखता है कि इसमें तो बहुत पैसे हैं। वो कहता है कि हम ये सब पैसे एक बैग में कैसे लेकर जाएंगे। तभी गवेंडलीन बोलती है कि हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कितने पैसे ले जा रहे हैं, बल्कि ये जरूरी है कि हम ये पैसा कहाँ से ले जा रहे हैं। और हाँ, अभी तो बस ये शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। इसके बाद दो लॉकर और है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। इनका काम खत्म होने के बाद आता है, जो रिसेप्शन पर बैठे लोगों को अपनी बातों में लगाकर उनका ध्यान भटकाता है। तभी सेबेस्टियन दोबारा वॉशरूम में से होते हुए बाहर निकल जाता है, और ऐसे ही गवेंडलीन भी अपना काम निपटाकर वहां से बाहर आ जाती है, और वो सभी अपनी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। और किसी अफसर को उनके बारे में पता चल जाता है, जिन्हें वो सिक्योरिटी कमरे में चोरी करते हुए देखता है। कैमरे में कैद गवेंडलीन और उसका साथी ब्रैड, जो बॉडी बिल्डर है, और वो अफसर अपने स्टाफ को
उनके बारे में बताता है कि इन्होंने 5 साल पहले भी ऐसी चोरी की थी और जब मैं उन्हें पकड़ने लगा तो वो वहाँ से बचकर भाग निकले। अफसर उन्हें बताता है कि मुझे लगता है कि उनका अगला मिशन वो दूसरा लोकर है जो बारात में है और हम वहाँ पर पहले ही अपनी सिक्योरिटी लगाकर उन्हें पकड़ लेंगे। और हाँ, मुझे ये भी लगता है कि उनकी टीम में एक और मेंबर भी है जो कि बहुत शातिर दिमाग का है। इसके बाद वो चोर पहले लोकर की चोरी करने के बाद उसी घर में पार्टी करके आ रहे होते हैं। तभी वह पर सेबेस्टियन आ जाता है और वो गवेंडलीन से बात कर रहा होता है और वो बहुत खुश भी होते हैं। तभी वह पर बैठा वो आदमी ब्रैड वो उन दोनों को देखकर जेलस फील कर रहा होता है क्योंकि वो गवेंडलीन को पसंद करता था। और अगले दिन वो सभी अपनी वैन में बैठकर बैंक के बाहर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें दूसरे लोकर की चोरी करनी थी जिसमें बहुत सारा पैसा था। और यहां कोरिना बताती है कि हमें ये काम थोड़ा ध्यान से करना होगा क्योंकि इस बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम एडवांस है। ये सुनकर सेबेस्टियन थोड़ा नर्वस हो जाता है और डर जाता है। और दूसरी तरफ वो अफसर अपनी टीम मेंबरों के साथ वहाँ पर उन्हें पकड़ने के लिए पहुँच जाता है और वो अपने सिक्योरिटी कैमरे के जरिए उन पर नजर रख रहे होते हैं। और अब सेबेस्टियन को देखते हैं जो कि बैंक के अंदर जा रहा होता है और कोरिना उसे नकली आईडी दे देती है जिसके जरिए वो बैंक के अंदर चला जाता है और साथ ही साथ कोरिना उसे रास्ता बताने में मदद कर रही होती है। और आगे जाते ही वो लेफ्ट साइड के दरवाजे से अंदर जाता है और उसे आगे एक सिक्योरिटी गेट मिलता है। साथ ही सिक्योरिटी रूम में बैठा सिक्योरिटी गार्ड उसे देख रहा होता है पर कोरिना उसे अपने हाथ से दरवाजा खोलने का नाटक करने के लिए बोलती है और वो उसे हैक कर खोल देती है। इसके बाद सेबेस्टियन वहाँ से निकलकर गवेंडलीन से मिलता है और वो दोनों लिफ्ट के जरिए लोकर के पास पहुँच जाते हैं और लोकर के अंदर जाते ही वहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड उन पर अटैक कर देते हैं। पर तभी गवेंडलीन अपनी ताकत से उन पर अटैक करती है और उन्हें मार गिराती है और सेबेस्टियन उसे तिजोरी की कहानी सुनाता है पर गवेंडलीन उसे बोलती है कि क्या तुम इसे जल्दी से खोल सकते हो। और तभी सिक्योरिटी रूम में बैठे गार्ड को पता चलता है कि डोर को हैक कर खोला गया है। फिर वो सभी डोर को लॉक कर देता है और कोरिना ब्रैड जनी बॉडी बिल्डर को दूसरा प्लान शुरू करने के लिए बोलती है और वो अपने चेहरे पर एक मास्क पहनकर बैंक में घुस जाता है और गार्ड से मार पीट करने लगता है। फिर वो अपनी गन की मदद से लोगों को डराता है और उन्हें सारे पैसे बैग में भरने के लिए बोलता है और सभी लोगों को अपनी गन दिखाकर एक साइड लाइन में खड़े होने के लिए बोलता है। वो ये सब इसलिए करता है ताकि वो सबका ध्यान भटका सके। पर उधर दूसरी तरफ वो ऑफिसर सोच रहा होता है कि अभी तक कोई हलचल क्यों नहीं हुई। तभी वो बैंक के गार्ड के पास जाता है और उसको बोलता है कि इस बैंक में चोरी होने वाली है और वो गार्ड बोलता है कि हाँ, हमें ये पहले ही पता चल गया था और हमने लोकर को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया था। और वो वहाँ से निकलकर उस ब्रांच में जाता है जहाँ वो सेबेस्टियन लोकर को खोल रहा होता है और सेबेस्टियन बोलता है कि अगर कोई गलती हो गई तो ये लोकर हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा और हम इसे कभी नहीं खोल पाएंगे। और फिर बड़ी आराम से एक एक करके सारे लॉक खोल देता है और बहुत खुश होता है। तभी लोकर का दरवाजा खोलकर सारे पैसे बैग में भरकर वहां से जाने लगते हैं और गवेंडलीन ब्रैड को बोलती है कि काम हो गया है। वो वहां से भाग ही रहा होता है तभी उसके कंधे पर गोली लगती है और वो खिड़की के जरिए भाग जाता है, फिर अपनी बैंक में चला जाता है। और जब बैंक में से सभी लोग भाग रहे होते हैं उनके साथ ही सेबेस्टियन और गवेंडलीन बाहर आ जाते हैं। फिर सेबेस्टियन अपना बैग वैन में रखता है और चलती वैन में ब्रैड उनका हाथ पकड़कर उन्हें वैन में खींच लेता है। पर उसके दिमाग में आता है कि अगर ये हमारे साथ रहा तो ये मेरा प्यार मुझसे छीन लेगा और तभी सेबेस्टियन का हाथ छोड़ देता है और वही गिराकर अपनी वैन लेकर निकल जाते हैं। पुलिस सेबेस्टियन का पीछा करना शुरू कर देती है और सेबेस्टियन अपने आप को पुलिस से बचाकर वहां से बचने के लिए एक साइकिल चुराकर भाग जाता है। इसके बाद वह अफसर भी उस बैंक में पहुंच जाता है पर जब उसे पता चलता है कि वहां से लोकर चोरी हो गया है और सीसीटीवी में भी कोई सबूत नहीं है, ये सुनकर अफसर को बहुत पछतावा होता है। दूसरी तरफ पुलिस का ध्यान हटने के दौरान सेबेस्टियन एक ट्रेन में चढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गवेंडलीन ब्रैड को बोलती है कि तुमने सेबेस्टियन को वैन में से धक्का क्यों दिया, तुमने ऐसा व्यवहार क्यों किया। इस पर ब्रैड बोलता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो हम सब फंस सकते थे और मुझे लगता है कि अब हमें सेबेस्टियन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है और अब हमें पैसे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी गवेंडलीन बोलती है
मैं ये सब पैसे के लिए नहीं कर रही। और इतना बोलते ही वो उस वैन से उतरकर चली जाती है और उसके साथ कोरिना भी आ जाती है और बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी क्योंकि मैंने अगले मिशन के लिए बहुत मेहनत की है और मैं उस मिशन को पूरा करना चाहती हूँ। उन्हें देखकर ब्रैड कहता है, तुम सब चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो अपने घर लौट जाता है और वहाँ पर ग्वेंडोलिन और कोरिना पहले से मौजूद होती है और कोरिना सेबेस्टियन को डरा देती है और डरने की वजह से जो सेबेस्टियन के हाथ में गर्म पानी था वो उस पर गिर जाता है और सेबेस्टियन बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चले जाओ जहाँ से, मुझे तुम जैसे धोखेबाजों के साथ काम नहीं करना, मैं कल से अपनी जॉब पर ही चला जाऊंगा। फिर ग्वेंडोलिन उसे बताती है कि हमारा साथी वो ब्रैड जो कि पैसे के लिए इस मिशन पर जाना चाहता था, पर मैं इस मिशन को पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ बल्कि इसलिए कर रही हूँ कि इतिहास में अपना नाम लिखवा सकूँ। और हाँ, हम तुम्हारे बिना उस तीसरे लोकर को अनलॉक नहीं कर सकते, हम तीनों मिलकर इस मिशन को पूरा करेंगे। फिर सेबेस्टियन उनसे सहमत हो जाता है और बोलता है कि अब तो मैं भी उस लोकर को खोल कर ही दम लूंगा। तभी ग्वेंडोलिन और कोरिना दोनों खुश हो जाती है। इसके बाद हम उस अफसर को देखते हैं जिसे यूट्यूब पर सेबेस्टियन का वीडियो मिलता है, तो वो अपने साथी को बुलाता है और बोलता है कि ये तो एक आम आदमी है और इसका तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है और उन चोरों ने इस आदमी को अपना काम करवाने के लिए रखा है, पर वो कमीने काम होते ही इसे बैन से बाहर फेंक देते हैं। मुझे लगता है कि ये आदमी उन चोरों को पकड़ने में हमारी मदद कर सकता है क्योंकि अब ये काफी डरा हुआ है और हम इसे पकड़कर उनका सारा प्लान जान सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों उस तीसरे लोकर को लूटने के लिए स्विट्जरलैंड को निकल जाते हैं और उनसे पहले वो ऑफिसर अपनी टीम के साथ उस क्लब के बाहर खड़ा होता है। उसी टाइम एक पुलिस अधिकारी को कोरिना द्वारा एक मैसेज मिलता है जिसमें वो अपने साथी से बात करती है कि हम 5 बजे क्लब में जाकर लोकर लूटेंगे, तो वो ऑफिसर घड़ी के 5 बजने का इंतजार करता है। जैसे ही घड़ी में 5 बजते हैं वो गैम्बलिन क्लब में जाकर वहाँ के मैनेजर से कहता है कि तुम्हारा लोकर खतरे में है। तभी वहाँ खड़ी मैनेजर बोलती है कि हाँ, हमें पता है क्योंकि आपने ही तो हमें बताया था। ये सुनकर वो ऑफिसर हैरान हो जाता है और मैनेजर उन्हें बोलती है कि हमें 8 घंटे पहले आपकी ओर से एक कॉल आया था कि तुम्हारा लोकर चोरी होने वाला है, इसलिए हमने उस लोकर को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया है। अगर हम फ्लैशबैक में जाकर देखें कि क्या हुआ होगा, इसमें हमें पता चलता है कि जो कॉल मैनेजर को आई थी वो कोरिना ने की थी जिसमें वो कहती है कि तुम्हारा लोकर चोरी होने वाला है और उसी टाइम वो मैनेजर गार्ड को बुलाकर लोकर को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करने के लिए बोलती है और जिस ट्रक में लोकर को ले जाने वाले थे ग्वेंडोलिन पहले से ही उस ट्रक में छुपकर बैठी होती है और चलते ट्रक में उन गार्ड पर अटैक करती है और उन्हें मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन गार्ड की ड्रेस पहनकर उस क्लब में आते हैं और वो लोकर को उस ट्रक में रखकर चले जाते हैं और एक बार फिर वो ऑफिसर गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाता है और उन्हें ढूंढने निकल जाता है। इसके बाद हम दोबारा वापस आते हैं और देखते हैं कि उस क्लब के बाहर उनके साथी ब्रैड और रोल्फ जो चोरी हुए लोकरों में से अपना हिस्सा लेने आए थे और तभी उन्हें पता चलता है कि ग्वेंडोलिन यहाँ नहीं है और उधर कोरिना को भी उनके बारे में पता चल जाता है और जब तक उनके पास पहुँचती है तब तक वो वहाँ से निकल जाते हैं। जब कोरिना उस जगह पर आती है तभी पुलिस उसे पकड़ने ही वाली होती है और वो अपने दोस्तों को मैसेज कर देती है कि ब्रैड और रोल्फ तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। इतना बताते ही वो अपना फोन फेंक कर तोड़ देती है ताकि कोई प्रूफ न मिल सके, पर जब ऑफिसर उसे धक्के मारते हुए पूछते हैं कि तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ है, पर वो उनके बारे में कुछ नहीं बताती। पर जब ऑफिसर उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे भाई का पूरा ख्याल रखेंगे और वो गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। दरअसल कोरिना अपने भाई से बहुत प्यार करती है और वो सोचती है कि अगर उसे जेल हो जाती है तो उसके भाई की देखभाल करने वाला कोई नहीं है और कोरिना उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और अपने साथियों के ठिकाने पर ले जाती है। और हम देखते हैं ग्वेंडोलिन ट्रक चला रही होती है और सेबेस्टियन पीछे ट्रक में लोकर खोलने की कोशिश कर रहा होता है। ये लोकर खोलना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि इस लोकर में 7 लॉक लगे हुए थे, पर धीरे धीरे सेबेस्टियन
सेबेस्टन 6 लॉक तो खोल देता है, पर जब 7वां लॉक खोलने लगता है तभी ट्रक के आगे कुछ आता है और गवेंडलीन ट्रक को एकदम से घुमा देती है, जिसकी वजह से सेबेस्टन गिर जाता है और उसका ध्यान भटक जाता है। पर वो फिर भी उस लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसमें सफल हो जाता है और 7वां लॉक भी खोल देता है और खुशी से नाचने लगता है, क्योंकि वो 3 मुश्किल लॉकरों को खोल लेते हैं और अपना मिशन पूरा कर लेते हैं। और वो रस्ते में एक जगह ट्रक को रोक कर बैग में पैसे भरने लगते हैं। तभी वह पर उनके साथी ब्रैड और रोल्फ आ जाते हैं और वो उन्हें गन दिखाकर अपना हिस्सा मांगने लगते हैं और ब्रैड बोलता है कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, पर वो उसे मना कर देती है और वो सेबेस्टन पर गोली चलाता है पर उसकी गन में गोलियां नहीं होती। तभी गवेंडलीन बोलती है कि मुझे तुम पर पहले से ही भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारी गन की फायरिंग पिन निकाल दी थी। और गवेंडलीन अपनी गन दिखाकर उन्हें ट्रक के साथ बांध देती है और उनकी कार लेकर सेबेस्टन और गवेंडलीन वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद वहां पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और ब्रैड और रोल्फ को गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी ओर सेबेस्टन और ग्वेंडोलिन नाव से भागने ही वाले होते हैं, तभी पुलिस ऑफिसर वहां पर आ जाता है और उन्हें गन दिखाकर रुकने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, और अगर तुम यहां से भाग भी गए तो इस लेक से बाहर नहीं जा पाओगे। लेकिन ग्वेंडोलिन भी उस पर बंदूक तानती है और बोलती है कि हम समझौता कर सकते हैं, हमारे पास पैसों के 3 बैग है जिसमें से एक तुम ले सकते हो। पर वो ऑफिसर उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे पीछे कितने समय से लगा हूँ, और तुम्हें पकड़ना ही मेरी जीत होगी। और गवेंडलीन को जब कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है तो ऑफिसर को बोलती है कि मैं एक शर्त पर सरेंडर करूंगी, अगर तुम सेबेस्टन को जाने दोगे क्योंकि वो बेकसूर है। फिर तभी वो ऑफिसर उसकी बात मान जाता है, लेकिन सेबेस्टन गवेंडलीन को वहाँ पर अकेले छोड़ने से मना कर देता है। तब गवेंडलीन उसे समझाती है कि अभी तुम यहाँ से चले जाओ और मैं जेल से आकर सीधे तुमसे मिलूंगी, और सेबेस्टन नाव में बैठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर गवेंडलीन को गिरफ्तार कर लेता है। जब सेबेस्टन नाव में जा रहा होता है तो उसको सभी के पासपोर्ट मिलते हैं और वो देखता है कि उसने पासपोर्ट के साथ टिकट भी रखा होता है जहाँ पर वो सभी जाने वाले थे। पर सेबेस्टन अकेला रह जाता है और उसे वो सभी पल याद आते हैं जो उसने गवेंडलीन के साथ बिताए होते हैं। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सेबेस्टन कैलिफोर्निया में गवेंडलीन सेफ एंड लॉक के नाम से स्टोर खोलता है और वहाँ पर उससे मिलने एक आदमी और औरत आते हैं जिनके पास एक लॉकर का नक्शा होता है और वो सेबेस्टन को उस लॉकर को खोलने के $2.5 लाख देंगे। और सेबेस्टन तो लॉकर देखकर ही खुश हो जाता है और कहता है कि मैं इसे खोल सकता हूँ। इससे आगे क्या होगा हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद।